हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज है ईद उल अज़हा का दिन, तो आप सभी को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सभी को ईद मुबारक। तो अभी जा रहे हैं हम ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने। मैं हूँ, भाई है, बड़े भाई साहब हैं, तो हम तीनों जा रहे हैं ईदगाह पर। बस थोड़ी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, कल रात को बारिश हुई थी तेज, तो आज धूप नहीं निकली, मौसम एकदम सुहाना है, आप देख सकते हो। अभी तक रेत भी नहीं सूखी है, रात बहुत तेज़ बारिश आई थी, लगभग 12-1 बजे के आसपास। तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं ये जामा मस्जिद। पहले यहाँ पे नमाज अदा किया करते थे, मगर अब वहाँ पे ईदगाह बना दिया था कब्रिस्तान पे, तो वहीं पर नमाज पढ़ते हैं। तो हम कर रहे हैं एक भाई का इंतज़ार जो फाइनली आ चुके हैं। ईद मुबारक, हेलो। ऑन द वे। दुआ तो फाइनली ईदगाह के ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। सामने है ईदगाह का ग्राउंड और सामने ईदगाह भी आपको दिख रही होगी, काफ़ी लोग वहां पे इकट्ठा हुए हैं हमारे गांव के। तो कुछ लोग अभी आ रहे हैं अपने अपने घरों से। अच्छा, बस 30 मिनट ठीक था में ना लगभग भाई? ईद की नमाज़ अदा की हम जाएगी कह रहे थे इंशाल्लाह। कल रात को बारिश हुई थी तो नहीं। एकदम माहौल पूरा ठंडा ठंडा हो चुका है, थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई है। तो अब जाते हैं और ईदगाह नहीं। आपको दिखाते हैं। ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक। ईद सईद आई, खुशियों के ढेर लाई। ईद सईद आई, खुशियों के ढेर लाई। الحمد لله المعيد الجمع الآياد رافي السب الشداد عالية بغير عماد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المصطفى والمرتضى بنام والفاتمة اللهم اشفنا مشف مرضانا يا شافي الأمراض اللهم اكفي حاجاتنا يا قاضي الحاجات وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحابه أجمعين الفاتحة إلى حياة النبي अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज़ अदा कर लिए। अब जो मिलने की रस्म आती है ईद मुबारक कहने की, वो करेंगे। ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक। ईद सईद आई, खुशियों के ढेर लाई। ईद सईद आई, खुशियों के ढेर लाई। ईद उन मुबारक, 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 ईद उन मुबारक। ईद सईद आई, खुशियों के ढेर लाई। ईद सईद आई, खुशियों के ढेर लाई। ईद उन मुबारक, ईद उन मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज़ अदा करने के बाद, मिलने की जो रस्म थी वो पूरा करने के बाद, तो अब जा रहे हैं घर पर। सभी जितने भी नमाज़ी थे सब चले गए अपने अपने घर पर, पूरा मैदान खाली हो चुका है। तो हम जाते हैं अब घर पर और बाकी बचा काम कुर्बानी का तो वो पूरा करते हैं इंशाल्लाह। तो वहीं जा रहे हैं अब। तो गाइस, घर पर जो भी कुर्बानी का जो जानवर था उनको ज़बह किया। घर पर जो भी काम था वो सब पूरा करके अभी आया था मार्केट, गांव में जिस हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ वहाँ के लिए, और जो हमारे गांव में जो टीचर बाहर के पढ़ाते हैं उनके लिए मिठाई लेने आया था मार्केट से। तो
तो मिठाई लेने आया था, मैं और भाई दोनों आए थे मार्केट और यहाँ से ले लिए मिठाई। अब जाते हैं घर पर और उनको दे के आते हैं मिठाई। काफ़ी तेज़ धूप है, बरसात हुई थी मगर थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं हुई थी। शाम को हो जाए तो ठीक है, तो बस अब रवाना हो रहे हैं यहाँ से। तो गाइस मार्केट से आने के बाद, मिठाई हॉस्पिटल में देने के बाद घर पर आया था। घर पर पता चला कि भाई को आया हुआ था बुखार, तो वापस हॉस्पिटल गए, वहाँ से लेके आए एक इंजेक्शन और इनको लगवाया। अब काफ़ी हद तक बेटर फील कर रहे हैं, मलेरिया पॉजिटिव हो चुका है। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं हमारे कज़न का घर, जा रहे हैं। मौसम एकदम सुहाना हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बरसात आने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो है आज है ईद का दूसरा दिन और आज जुमा भी है, तो आप सभी का जुमा मुबारक। तो अभी जाते हैं मस्जिद में और जुमा की नमाज़ अदा करते हैं। जुमा की नमाज़ अदा करने के बाद नींद आ रही थी तो सो गया था, अभी उठा था असर के टाइम, असर की नमाज़ अदा कर ली है। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं आपको नए व्लॉग के साथ। एक बार और आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद।